हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपने मेरी पिछली वीडियो बच्चों, मैंने आपको याद करवाए थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक पार्ट 1। ओके, उसमें हमने किए थे बच्चों ग्रुप 18 के रिएक्शंस और ग्रुप 17 के दो किए थे। आज बच्चों आपको मैं बाकी के ग्रुप 17 के रिएक्शंस करवाऊंगा और हमारे रिएक्शंस हो जाएंगे 20। और मेरे को ये पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि इनमें से रिएक्शंस बोर्ड्स में और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी जरूर आएंगे बच्चों। तो देखो बच्चों, अभी जो कराने वाला हूं ना, पिछला मेरी एक आदत ये रहती है कि मैं भाई एक रिएक्शन ऐसा जरूर कराऊंगा जिससे कि कुछ पिछला रीकैप भी हो जाए। देखो बच्चों, अभी जो आपके सामने एक रिएक्शन है वो ये है, कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस। कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस। बच्चों पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्लोरीन जो है वो अल्कलाइन मीडियम में करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है जिसके अंदर क्लोरीन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को करता है इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज। तो देखते हैं बच्चों के यहाँ पर क्या आंसर आएगा, किसी ने कुछ गैस किया। देखे बच्चे, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पिछली बार यहाँ पर जब लिया था वो लिया था NaOH, इस बार ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी वही काम करेगा, वो भी प्रोवाइड कर रहा है अल्कलाइन मीडियम। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, एक तो बनेगा ऑब्वियसली CaCl2, क्योंकि पिछली बार बना था NaCl, तो इस बार बन गया CaCl2। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पर है 0 बच्चों। और यहाँ पर जो है ना, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, इसका मतलब जो अगला हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, वो रहेगी बच्चों +1 तक। ठीक है, तो बन जाएगा बच्चों ये CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 और बच्चों बन जाएगा अब ऑब्वियसली वाटर। ठीक है, बैलेंसिंग बच्चों आप इसकी देख लेंगे। ठीक है, अभी बच्चों हम आगे करते हैं और करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। देखो बच्चों ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स जो होते हैं, बोथ द एलिमेंट्स आर हेलोजन। हेलोजन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इंटर हेलोजन, हेलोजन विद डिफरेंट हेलोजन। ओके, तो देखो बच्चों इसको कैसे लर्न करना है आपने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने दो केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, एक केस लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर, आप देखोगे कि क्लोरीन का साथ फ्लोरीन का रिएक्शन। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है कि ना, फ्लोरीन क्लोरीन तो साथ साथ में है ना, फ्लोरीन क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है +2.87। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, लेकिन वो साथ साथ है ना, तो मतलब बहुत बड़ा ऑक्सीडेशन नहीं करेगा एक बार में, यानी कि यहाँ पर पता है क्या बनेगा बच्चों, CLF बनेगा। क्या बनेगा, CLF बनेगा और बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लग जाएगा। लेकिन अगर फ्लोरीन आपने एक्सेस में ले लिया, तो फ्लोरीन उसको थोड़ा और ज़्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो बच्चों, क्लोरीन जो है ना वो ऑड नंबर्स में ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं बच्चों। ऑड नंबर वाले ग्रुप ऑड नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, इवन ग्रुप वाले एलिमेंट्स इवन नंबर में दिखाते हैं। जैसे ज़ेनॉन ग्रुप 18 का है तो वो +2, +4, +6 ऐसे दिखाएगा। क्लोरीन ग्रुप 17 का है तो वो पॉजिटिव में +1, +3, +5 ऐसे दिखाएगा। तो देखो बच्चों एक्सेस में ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CLF3 बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर अगर आप 3 लगा दोगे और यहाँ पर जो है वो आप 2 लगा दोगे तो ये बिल्कुल बैलेंस हो गया बच्चों रिएक्शन। सेम विद द केस ऑफ ब्रोमीन। अब देखो बच्चों क्या होता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो फ्लोरीन से थोड़ा और नीचे चला गया। ठीक है, अब बच्चों क्या होगा कि BrF कंपाउंड नहीं बनेगा, अब सीधा बनेगा BrF3, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा BrF3 बैलेंसिंग सेम एज अबव। ठीक है ना, यहाँ पर 3 लगा के यहाँ पर 2 लगा देना। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन किस में लिया है, एक्सेस में लिया है। नाउ कैन यू गेस द प्रोडक्ट्स बच्चों। अब यहाँ पर क्या बनेगा पता है, यहाँ पर बनेगा BrF5, यहाँ पर बनेगा BrF5। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हो गए हमारे कितने रिएक्शंस, ये हमारे आज की वीडियो के हो गए 5 रिएक्शंस बच्चों। अभी मैं आपको और कराऊंगा 5 रिएक्शंस, तब तक आप इनको नोट करो। यस बच्चों, तो बच्चों अब हम करेंगे 5 मोर रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक। आई होप आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा बच्चों। अभी भी ग्रुप 17 चल रहा है, ग्रुप 17 बहुत बड़ा है, ग्रुप 18 की तरह छोटा नहीं है। तो बच्चों हम कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ HCl। तो बच्चों रिएक्शंस ऑफ HCl तो बहुत आसान होते हैं, इवन एक क्लास 10th का बच्चा भी उसे कर सकता है। ठीक है, ये देखो बच्चों कार्बोनेट के साथ HCl। देखो बच्चों क्या होता है कि आप लोगों को 10th में सिखाया हुआ है कि जहाँ पर भी एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन होता है तो वहाँ पर क्या बनती है, वहाँ पर बनती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बोल गए क्या,
और बनेगा बच्चों यहाँ पर वाटर, और ऑब्वियसली बनेगा बच्चों एक सॉल्ट, और वो सॉल्ट होगा NaCl, ठीक है। तो देखो बच्चों बैलेंस की बैलेंस रिएक्शन जो है आपके सामने बनकर आ रही है, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, आप देख सकते हो O कितने हैं यहाँ पर, 3 है, H यहाँ पर 2 है, बिल्कुल बैलेंस है। तो बच्चों कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन? तो बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर द एसिड रिएक्ट्स विद एनी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, द गैस रिलीज्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। देन बच्चों हम करेंगे सोडियम सल्फाइड के साथ। बच्चों बिल्कुल ऊपर वाले इस फर्स्ट वाले रिएक्शन को इसमें कॉपी कर देना है बच्चों आपने। अगेन द आंसर इज 2NaCl प्लस SO2 गैस। SO2 गैस बच्चों, देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन CO2 एंड SO2 दैट बोथ द गैसेस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की। सो ऑल दीज थ्री रिएक्शंस आर रियली इजी। सो बच्चों देखो इतने टफ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम इजीली रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं। बच्चों अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के ऊपर। तो बच्चों देखो क्या होता है, इसमें क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो क्लोरीन होती है वो बनती है मैंगनीज कंपाउंड से, ओके। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, यहाँ पर बनने वाला है सिंपल, अगर मैं देखूँ इसको फोर क्यों लगाऊँ इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन आए तो आप क्या स्ट्रैटेजी उसमें लगाएंगे, आप उसमें एक स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि आप उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों अब इसमें यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है, 4 वाटर, यानी कि यहाँ पर जो है आप 2 वाटर को अलग करेंगे और बन जाएगा MnCl4। बच्चों लेकिन याद रखना कि MnCl4 इज़ नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, वो डिकम्पोज हो जाता है और बना देता है बच्चों MnCl2 प्लस Cl2, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी प्रिपेयर क्लोरीन इन द लैब। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे लास्ट रिएक्शन की इस वीडियो की। तो बच्चों यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी हम लगाने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बेसिकली बच्चों जो नीचे वाला रिएक्शन है और जो ये ऊपर वाला रिएक्शन है ये एक ही रिएक्शन है एक तरह से बच्चों। वो कैसे, एक्चुअली बच्चों क्या होता है, जो HCl होता है ना वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके ही HCl बनता है, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है वो भी यही आने वाला है बच्चों, वो भी यही आने वाला है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो H होगा, HCl जो बनेगा यहाँ से, 4HCl जो बनेंगे, यानी कि बाहर क्या हो जाएगा इसमें NaHSO4, ठीक है, NaHSO4, और बच्चों बन जाएगा एज़ यूजुअल वाटर। तो देखो बच्चों आपने याद कर ली है, मैंने आपको याद करा दिए 10 रिएक्शंस, जो सबसे लास्ट वाला रिएक्शन है बेसिकली ये इन दोनों के मिक्सचर से HCl ही बनता है। तो बच्चों देखो हर एक रिएक्शन को के अंदर मैं कुछ ना कुछ आपको बता रहा हूँ कि आपको लर्न कैसे करना है। तो बच्चों हो गए मेरे पार्ट 1 के 10 रिएक्शंस, ये पार्ट 2 के 10 रिएक्शंस, रिएक्शन हो गए 20। अपने टेस्ट जरूर लो, और बच्चों आपको कोई भी कैसी भी किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अगर आप है केमिस्ट्री के अंदर तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दो, मैं उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा। जैसे कि मेरे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो है एसर्शन रीजनिंग के वीडियोज़, और जो एल्डिहाइड के टोन्स और ऑर्गेनिक के जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियोज़। तो बच्चों प्लीज़ डू कमेंट अपॉन योर प्रॉब्लम्स सो दैट आई कैन मेक वीडियो अकॉर्डिंगली। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।